हम बड़े नहीं फिर भी बड़े का उत्साह वर्धन कीजिएगा हमारे जवानों का, जीआरपी के जवान और आरपी सभी को नीचे लेके आए, क्योंकि अब हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होगा तो हम चाहते हैं कि उसका लुत्फ जो है उसकी करम है उसका बड़े फख्र से हम बुलंदी पर आए, नवाजिश है उसकी करम है उसका बड़े फख्र से हम बुलंदी पर आए, तरक्की के सारे मयारों से आगे नए ढंग लाए, नए आइटम है वो जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से है, बच्चे आएंगे पंजाबी डांस के साथ, बच्चियां हैं और बच्चे पूरे देश को दिया, क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यूं रवैया जम्मू कश्मीर के प्रति हमेशा सकारात्मक रहा है, और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नहीं अनेक बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है वो दिए हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए एक और बड़ा तोहफा जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ हुई तो पहली काशी के लिए थी और दूसरी कटरा वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के लिए थी, तो आज जो है उससे दूसरी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आज देश के प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उसे हरी झंडी दे रहे हैं, जो कि कटरा से चलकर दिल्ली तक जाएगी और जम्मू में उसका ठहराव रहेगा। पहली जो वंदे भारत है वो बहुत ही कामयाब रही है, थोड़ा समय लेती है, सुविधाएं सारी हैं और यात्रु हों चाहे व्यावसायिक लोग हों वो खुश रहते हैं कि भाई वंदे भारत का सफ़र जो है वो आसानी से कट जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों के पिछले दिनों पार्लियामेंट के सेशन के दौरान भी बतौर सांसद अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए ये केंद्र सरकार नरेंद्र भाई रेलवे मंत्री जी से हमने प्रार्थना की थी कि एक जो वंदे भारत है बहुत ही कामयाब है, हमें दूसरी भी वंदे भारत जो है वो मिलनी चाहिए। तो आज हम खुश हैं इस बात को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो एक और वंदे भारत जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए दे रहे हैं, और एक वंदे भारत जम्मू से कटरा से चलेगी दिल्ली के लिए और दूसरी वंदे भारत जो है वो दिल्ली से चलेगी जम्मू कटरा के लिए। तो आज इकट्ठी 4-5 वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, हरी झंडी दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जम्मू वासियों की बात करें तो जम्मू